उद्धव ठाकरे देश के नए जयचंद हैं, महाराष्ट्र के गद्दार हैं। सोशल मीडिया में यही सवाल उठ रहा है। परफॉर्म इंडिया ने इस सवाल का जवाब मीडिया में ही ढूंढने की कोशिश की, जवाब मिल गया। आज आपको 5 सबूतों के साथ दिखाने जा रहा हूं कि उद्धव ठाकरे ने किस प्रकार महाराष्ट्र की जनता के साथ गद्दारी की है। ये वीडियो 18 अक्टूबर 2019 में मुंबई रैली की है। प्रधानमंत्री मोदी के बगल में खिलखिला रहा ये शख्स उद्धव ठाकरे ही है। इसी मंच पर पीएम मोदी ने ऐलान किया था कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही होंगे, लेकिन उद्धव ने उस समय अपने होठ सिल रखे थे। महाराष्ट्र में एक बार फिर देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में महायुति की सरकार बनने जा रही है। आइए अब आपको उद्धव की गद्दारी का दूसरा सबूत दिखाते हैं। ये वीडियो 16 अक्टूबर 2019 की है, रायगढ़ रैली की है। यहाँ पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने खुलकर कहा कि दिल्ली में नरेंद्र और महाराष्ट्र में देवेंद्र की सरकार होगी, लेकिन उद्धव ठाकरे ने इस पर भी कुछ नहीं कहा। वीडियो देखिए। मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ कि दिल्ली में आपने नरेंद्र को फिर से बिठा दिया, अब महाराष्ट्र में देवेंद्र को भी उसी ताकत से दोबारा बिठाए। दिल्ली में नरेंद्र और मुंबई में देवेंद्र। अब आपको वो सबूत दिखाने जा रहे हैं जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये पता चलेगा कि किस प्रकार उद्धव और उसके बेटे आदित्य ठाकरे ने ये साजिश रची। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में जब राजदीप ने सीधे सीधे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का सवाल पूछा तो देखिए आदित्य ठाकरे और फडणवीस ने क्या कहा। आदित्य, आर यू रेडी? ही इज मेकिंग यू डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, ही इज ऑफरिंग यू। आई एम हियर टू सपोर्ट हिम एज ऑफ नाउ। ही इज हियर टू सपोर्ट यू, बट ऐसा है, डू यू वांट टू बी चीफ मिनिस्टर और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर? देखो, अभी जब हम बात कर रहे थे बाहर, जब मैं और साहिल बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजदीप जी स्टेज पे मुख्यमंत्री साहब की इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? मैंने कहा मेरे भी वरिष्ठ सहयोगी स्टेज पे, तो हम दोनों कुछ बात नहीं करेंगे, आपको दोनों को पहले बात करने दो। तो अभी देखिए, तो अमृता और आपकी ट्यूनिंग और आदित्य और आपकी नहीं, हमारी ट्यूनिंग है ही, वो तो मैंने जब आपसे बात की वो तो थे नहीं, फिर भी उनकी और मेरी बात में कोई अंतर दिखा आपको? कोई अंतर नहीं। अब आपको भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का वो बयान जरूर सुनना चाहिए जो उन्होंने 15 अक्टूबर 2019 को कहा था। चुनाव के दौरान अमित शाह ने बिल्कुल साफ कर दिया कि फडणवीस ही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन उद्धव और आदित्य ठाकरे में से किसी ने भी इस बयान का विरोध नहीं किया। खुद ही देख लीजिए। महाराष्ट्र में अगला सीएम कौन रहने वाला है? क्योंकि देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि हम आएंगे, बीजेपी वाले कह रहे हैं फडणवीस जी आएंगे। स्पष्ट ही है, देवेंद्र फडणवीस भी अगले मुख्यमंत्री होंगे। अब आपको 5वां सबूत दिखाने जा रहा हूं जिससे देखकर उद्धव ठाकरे को चुल्लू भर पानी भी नसीब नहीं होगी। आप भी ये वीडियो देखिए। 4 अक्टूबर 2019 को जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो फडणवीस ने ठाकरे से प्रेस के सामने अपनी बात रखने को कहा, तो उस समय ठाकरे ने मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर कुछ नहीं कहा। महाराष्ट्राच्या मनातली महायुती ही आज या ठिकाणी खऱ्या अर्थाने मैदानात उतरलेली आहे। कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे ने न केवल लोकतंत्र का मजाक उड़ाया है, जनमन का अपमान किया है, बल्कि महाराष्ट्र की जनता के साथ गद्दारी भी की है। जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी।